प्यारे बच्चों, आज मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसको हम कहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया है, इस समय ये जो घटना है वो कहाँ हो रही है हमारे इस यूनिवर्स में, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताया था। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इंटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियस एंड ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो जस्ट उसका अपोजिट है। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक न्यूक्लियस टूटता है, दो छोटे न्यूक्लियस बदलता है। यहाँ पर जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस, दे आर कंबाइंड ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ बिग न्यूक्लियस। एंड इन दिस प्रोसेस वी ऑल्सो फाउंड लॉट ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उस प्रोसेस में भी एनर्जी हमें मिलती है और इस प्रोसेस में भी एनर्जी मिलती है। डिफरेंस इतना सा है कि उसमें न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से, टूटने से एनर्जी मिलती है और यहाँ न्यूक्लियस के आपस में जुड़ने से हमें एनर्जी मिलती है। आइए हम समझते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। देखिए, हमारा जो सन है, सूरज, या जितने भी स्टार्स हैं, उन सभी स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन ही प्रोसेस चलता है। आपको पता, हमारा सूरज हमें रोशनी देता है, हमें तापमान देता है, टेम्परेचर देता है, ऊष्मा देता है। तो ऐसा क्यों होता है? सूरज हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा भंडार है, स्टोरेज है। सूरज में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। हाइड्रोजन के ये जो हमने पढ़े हैं आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो जो ड्यूटेरियम्स होते हैं, ये ड्यूटेरियम्स आपस में कंबाइंड होते हैं और इसको कंबाइंड होने के लिए लॉट ऑफ हीट एंड लॉट ऑफ प्रेशर की जरूरत होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कंबाइन ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ बिग न्यूक्लियस हीलियम। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के चार हल्के नाभिक जुड़कर हीलियम बना रहे हैं और जब हीलियम बनता है तो उसके साथ साथ दो पॉजिट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट कम होता है, जो अमाउंट कम होता है वो अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और यही एनर्जी हमें टेम्परेचर के रूप में और लाइट के रूप में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन बम जो बनाया गया है वो हाइड्रोजन बम इसी प्रोसेस पर बनाया गया है। जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर एटम बम बनाया गया, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर बनाया गया। हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि लिथियम का एक कवर होता है, उसके अंदर यूरेनियम होता है और यूरेनियम के बीच में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम रखे जाते हैं। तो जब यूरेनियम को हम एक्सप्लोजन कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है और प्रेशर, उसकी वजह से हाइड्रोजन के वो हल्के न्यूक्लियस कंबाइंड होकर हीलियम बनाते हैं और उससे अपार एनर्जी निकलती है। इस तरह से हाइड्रोजन बम काम करता है। आप इसमें और उसमें एक डिफरेंस और समझिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें कई सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और उसमें जो एनर्जी होती है कम होती है कंपेरिजन टू न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हमें अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं मिलते हैं और इसमें जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। आप हमारे इस टॉपिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है एम के जैन क्लासेज कोटा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।